नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफील मिरर, हर पल आपके साथ। साल जो कमेटी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी, 25 जन की एग्जीक्यूटिव 25 जन कमेटी की होगी। एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो है, और ये हमारे फाउंडर मेंबर्स हैं, 15 फाउंडर मेंबर्स, 15 फाउंडर। इन्होंने ही पूरे क्लब का नींव रखा है, और इन्होंने ही एक कमरे से लेके आज क्लब यहाँ पे है। स्टार्टिंग के देखे हाँ, कमरे क्या से तो इन लोगों का, इन लोगों ने बनाया। और ऐसे इसके पहले जोर कम पड़ता है, इसके पहले सीमेंटेड आज हम लोग रानीगंज स्पोर्ट्स असेंबली में हैं। रानीगंज स्पोर्ट्स असेंबली जो वो किसी नाम की मोहताज नहीं है, इनका एक अपना कल्चर है, इनका एक अपना सोसाइटी है, इनका ये बहुत ही सिविलाइज है, और जो हमारे कल्चर को, हमारी सोसाइटी को बचाने में ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। आज हमारी पूरी टीम हम लोगों के साथ है। आइए, ये जो असेंबली है इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या करते हैं और किस तरह अपने कल्चर को बचाने में लोगों को मोटिवेट करते हैं। नमस्कार, चैनल के सभी देखने वाले को हमारे क्लब की तरफ से नमस्कार। ये सर, ये असेंबली है क्या, स्पोर्ट्स असेंबली? स्पोर्ट्स असेंबली एक आमोद प्रमोद की एक संस्था है, क्लब है, जहाँ के मेंबर्स यहाँ पे मतलब एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स, इसका पूरा पूरा लाभ, ऑलमोस्ट 570-75 मेंबर्स हम लोग के यहाँ पे हैं। अच्छा, आप यहाँ पे किस पोस्ट में हो? मैं प्रेसिडेंट हूँ क्लब का। और बाकी कुछ लोगों का नाम बताएं जो हमारे यहाँ, जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे हैं हमारे यहाँ, जयप्रकाश मुलारका जी, हमारे मेंबर हैं अरुण भरतिया जी, हमारे प्रोग्राम कमेटी चेयरमैन सौरभ खेतान जी। तो हम लोग के यहाँ मतलब ऑलमोस्ट 575 मेंबर्स हैं। समाज से जुड़ित हर वर्ग के लोग यहाँ पे हैं, हर कास्ट के लोग यहाँ पे हैं, हर क्षेत्र के लोग यहाँ पे हैं। आसनसोल, दुर्गापुर से भी कुछ मेंबर्स हम लोग के यहाँ पे हैं, बाहर बाहर से भी मेंबर्स हैं। हम लोगों ने देखा, जब से आप लोग कमेटी में बहुत एक्टिव हुए हैं, विद इन योर पीरियड आप लोगों ने क्या क्या काम किए? देखिए, हम लोग का मतलब ऐसा है कि हम लोग के यहाँ खास ध्यान रखा जाता है मेंबर और मेंबर के जो बच्चे हैं उनका स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी का। रेगुलर हम लोग बैडमिंटन, हमारे यहाँ बैडमिंटन कोर्ट है, उसके लिए एक मतलब कोच भी है, बच्चे और बड़े सब सीखते हैं उनसे, और रेगुलर उसका टूर्नामेंट होता है, इंटर क्लब भी होता है और इंटर डिस्ट्रिक्ट भी होता है। साथ में हमारे यहाँ टेबल टेनिस है, उसके लिए भी हम लोग का मतलब कोच भी है, और उसका भी अगेन इंटर क्लब और इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर दोनों टूर्नामेंट। उनको आप लोग कोच देते? यस, जो भी मेंबर के बच्चे हैं वो लोग आते हैं, सीखते हैं यहाँ पे। स्विमिंग पूल है हमारे यहाँ, उसमें भी हमारे यहाँ कोचिंग रहती है। कुछ बच्चे उभर का हैं जो कुछ दूर तक, काफ़ी बच्चे उभर के आते हैं, और मतलब अपने स्कूल के लेवल में, जैसे DAV या DPS स्कूल है, इनका इंटर स्कूल टूर्नामेंट जो बाहर जाके होता है उस पर खेलते हैं। अभी जीत के भी आए हैं हमारे यहाँ बच्चे बैडमिंटन में, टेबल टेनिस में भी जाते हैं, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होता है हमारे। फ्यूचर में आप लोग क्या प्रोग्राम कर रहे हैं? फ्यूचर देखिए, अभी मतलब क्रिकेट का टूर्नामेंट एक होने का है हम लोग का, वो इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट है, IPL के तर्ज में हम लोग कराते हैं। अच्छा। उसके बाद अब एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है, जो कि आप समझ पा रहे हैं अभी मतलब त्योहारों का समय आने वाला है, तो हमारे यहाँ जैसे अब नवरात्रा आ रही है, तो नवरात्रा में डांडिया का उत्सव होता है, दीपावली आ रही है तो दीपावली में दीपावली मिलन होता है, क्रिसमस का होता है प्रोग्राम,
नए साल का प्रोग्राम होगा, होली का प्रोग्राम होगा, तो हर एक अपन हम लोग कोशिश करते हैं कि सब कल्चर का देखिए दो चीज का समावेश प्रोग्राम करा रहे आप लोग। 8 तारीख को अभी एक मेंबर्स लोग के लिए एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है, मतलब एक बेसिकली एक फन फेस्टा प्रोग्राम है, इसमें बच्चों के लिए गेम्स, बड़ों के लिए गेम्स रहेगा, वो लोग गेम खेलते हैं, फिर उसमें हम लोग का डीजे कलकत्ता से फेमस डीजे आ रही है, नाच गाना रहेगा, उसके बाद उसमें हम लोग का एक फैशन शो का प्रोग्राम है जो कि एक खूब ही रिनोन्ड मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जिनका अभी 26 सितंबर को फाइनल है, वो सब यहीं पे होगा, वो फाइनल भी यहीं पे है, तो उसका वो लोग एक रैंप वॉक देंगे उस दिन हम लोग के 8 तारीख का प्रोग्राम में प्रीव्यू देंगे एक रैंप वॉक में, तो ये 8 तारीख का प्रोग्राम बेसिकली एक एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है, और बच्चों का एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रहा है, इस सैटरडे फ्राइडे को लास्ट बच्चों का एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में ये बच्चों को एक मतलब रिलैक्स है, एक एंटरटेनमेंट है क्लब की तरफ से, तो ये हम आप तो इसके असेंबली से बिलोंग करते हैं, जब आप यहाँ वर्क करते हैं तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, टाइम निकाल पाते हैं? ज़रूर ज़रूर टाइम निकालते हैं, बोल के ही पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, नहीं तो मैं पोस्ट नहीं लेता, समय देना पड़ता है। आप लोग जब किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हो या फिर दिल में आता है कि नहीं एक प्रोग्राम करना है, माइंड में क्या चलता है? माइंड में बस मंथली प्रोग्राम करते हैं, हर मंथ में एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, अलग तरह का प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं जिसमें मैक्सिमम जन पार्टिसिपेट कर सके, और थीम प्रोग्राम रहता है उस हिसाब से डेकोर होता है, सही होता है। और जो तमाम मेंबर हम लोग देखते हैं कि आप लोग में बहुत यूनिटी है, सब मेंबर एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं कोई भी प्रोग्राम में, ये कहाँ से लाते हैं आप लोग? वो देखिए छोटा टाउन है, सब एक दूसरे को जानते हैं, बोल करके एक कोऑपरेशन मिल जाता है, छोटा भाई बड़ा भाई आपस में मिलकर सबसे चलते हैं। एज ए सेक्रेटरी आपको कोई ड्रीम होगा जो असेंबली के लिए आप करना चाह रहे होंगे अब तक नहीं कर पाए? ड्रीम तो देखिए अभी तो हम लोग का प्रोजेक्ट जो अभी हाथ मिलने का सोचें, वो स्विमिंग पूल को कवर करने का सोचें, वो चेष्टा करते हैं जैसे अपने टेन्योर में काम चालू करा सकें। अभी जो हमारा कल्चर है इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारा कल्चर क्या वेस्टर्नाइज सिविलाइज की तरफ जा रहा है या फिर हम लोग अपने हिंदुस्तानी संस्कृति को बचाने में कामयाब? देखिए हम लोग तो अपने क्लब के माध्यम से हमारे इस मतलब फेमस और छोटे से टाउन रानीगंज में मतलब हम लोग 12 महीना कल्चरल मतलब सोशल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, इसीलिए कि अपन कल्चरल जो भी अपन अपना जो कल्चर है उसको हम लोग मतलब कहीं विलुप्त ना होने दें, बचा के रखें, इसके लिए ही ये डांडिया दिवाली और क्रिसमस ये जितना प्रोग्राम होली ये सारा इसलिए ही होता है कि बच्चे भी जान सके कि ये हमारा कल्चर है, और सब कल्चर थीम में होता है, जैसे अभी आप डांडिया का जब प्रोग्राम में आएंगे तो आप देखेंगे इस चीज़ को कि पूरा कल्चरल होता है एकदम बहुत बढ़िया। तो इसमें रानीगंज को लोग पसंद क्यों करते हैं, कहा जाता है कि यहाँ बहुत देखिए रानीगंज को लोग पसंद करते हैं क्योंकि क्या है, रानीगंज हमेशा से जो है शांति प्रिय जगह है, ठीक है ना, रानीगंज में भाईचारा है, रानीगंज में मतलब जैसे बड़े शहरों में आपको जो मिलेगा वो नहीं मिलेगा, जैसे तहजीब बोलते हैं ना ये सब है रानीगंज, रानीगंज में आपको दूर दूर तक आप कहीं भी जाएंगे, चेन्नई जाएंगे आप दुर्गापुर को हो सकता है लोग नहीं आइडेंटिफाई करें, रानीगंज आप बोलेंगे तो आपको लोग मिलेंगे आइडेंटिफाई करने वाले, दूसरा रानीगंज से रिलेटेड लोग आपको पूरी इंडिया में कहीं भी चल जाइए हर जगह मिलेंगे, जो कभी रानीगंज में पैदा हुए हैं या रानीगंज में रहते थे, आप बॉम्बे जाइए आप चेन्नई जाइए कहाँ भी जाइए आप बैंगलोर जाइए रानीगंज से रिलेटेड आदमी आपको जोर मिल जाएगा, ये है रानीगंज की खासियत। एक खासियत आप रानीगंज की और जान जाइए, जितना वर्ग क्षेत्र है या जितनी पॉपुलेशन रानीगंज की है उसके हिसाब से हर साल रानीगंज में जितना सीए निकलता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, अच्छा, वो रानीगंज में सीए ज़्यादा निकलते हैं हर साल, एवरी ईयर रानीगंज में जितना सीए निकलता है रानीगंज की पॉपुलेशन के हिसाब से वो इंडिया में सबसे हाईएस्ट है। अच्छा, अब तक कितने सीए रानीगंज से आप लोग दिए? बहुत सीए है रानीगंज में, गिनती मुझे मेरे लिए बताना संभव नहीं होगा, लेकिन हर साल 15-20 सीए रानीगंज से निकलते हैं हर साल, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, आप अगर जाके सर्च भी करेंगे इंडिया लेवल में तो पॉपुलेशन के हिसाब से, जैसे मान लीजिए रानीगंज में 1-1.5 लाख आदमी अगर है तो उस पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे हाईएस्ट सीए इंडिया वाइज में रानीगंज से आते हैं। नई नस्ल है, न्यू जनरेशन है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आखिर में? आज तो वर्ल्ड वाइड मैसेज अगर आप देखेंगे तो एक ही मैसेज जाता है कि बच्चों को और
बड़ों को भी एक बन जाता है ये मैसेज तो कि मतलब लोग अभी मोबाइल में सिमट के रह गए हैं, है ना। दो भाई और बहन भी अगल बगल में बैठे हैं तो देखेंगे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, वो अपना मोबाइल चला रहा है, ये अपना मोबाइल चला रहा है। माँ और बेटा बैठा है तो सेम केस है। तो मोबाइल से लोगों को बाहर आना पड़ेगा, मोबाइल से बाहर आ करके वापस तब लोग एक दूसरे से मिलित होंगे, संगठित होंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे आप आएंगे ना शाम को क्लब में आएंगे तो 7-7:30 बजे के बाद आप देखेंगे लोग आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। तो ये हुआ इंटरेक्ट होने का, तो वो चीज़ अभी विलुप्त होते जा रहा है। लोग अभी मोबाइल में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, बच्चे भी, तो उस मोबाइल को थोड़ा अवॉइड करके मोबाइल की दुनिया से बाहर आना पड़ेगा एकदम। बिल्कुल।